की रेसिपी में आज हम बनाए देंगे केले का मजेदार रेसिपी, तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो हम बनाने वाले हैं केले का चिप्स। मैंने तो केले को धो लिया है, तो अब ये क्या करूंगी, मैं इसे छील लेती हूँ। तो ये साइड का हम इसका कट कर देंगे सबसे पहले, और ये वाला हिस्सा, और यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि केले को छील लें हम। तो देखो मैं केले को छील ले रही हूँ सबसे पहले, तो इस तरह से ये छिला जाता है आसानी से। वैसे केले बहुत हार्ड रहते हैं, ये जल्दी छिलाते नहीं है। तो इसी तरह से मैं सभी केलों को छील लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, केला छिल गया है, तो मैं इसे पानी में डाल दे रही हूँ ताकि ये काला ना पड़े। तो बाकी के भी केले मैं इसी तरह से छील ले रही हूँ। यहाँ से ऐसे निशान हल्का हम लगाएंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो केले कट जाएंगे। तो हल्का हल्का चाकू से ऐसे निशान मार के फिर ये केले को खुलने जैसा ऐसे छील लेंगे। तो देखिए कितना इजिली ये छिल जाता है इस तरह से। तो ये केले, फ्रेंड्स अब केले को मैं इस दो टुकड़ों में बांट के फिर इसका पतला पतला स्लाइस बनाने वाली हूँ। स्लाइस हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी मोटी रखनी है। तो इस तरह से मैं काट ले रही हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं सभी केले को काट ले रही हूँ। यहाँ पे हमने कच्चा केला लिया है, सबसे पहले मैं इसमें एक चम्मच बेसन डालूंगी। बेसन हमें ज्यादा नहीं लेना है, बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा लेना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन एक बड़े चम्मच बेसन डाल दिए हैं। उसी के साथ मैं अब इसमें डालूंगी एक चम्मच गरम मसाला, ये घर का हमारा गरम मसाला है। और इसी के बाद अब हमें डालना है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है तकरीबन एक चुटकी। छोटा चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, नमक ले लिया है आधा छोटा चम्मच, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है एक चम्मच, इसमें नींबू का रस डाल देना है फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये भी सूखे मसाले हैं, इसमें का जब नमक गल जाएगा इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ताकि इसके मसाले सब अच्छे से कोट हो जाए। केले पे ये सब हमें अच्छे से मसाले फैला देना है, अच्छे से लगा देना है। हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये कोट होने के लिए, तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कुछ कर ले रही हूँ इसे, और जब हम छोड़ देंगे तो इसका जब नमक पिघलेगा फ्रेंड्स, तो अच्छे से ये कोट हो जाएगा, टेस्ट काफी बढ़िया आता है। तो ये देखिए जब ये बन जाएगा तो इसके आगे नॉनवेज भी, यानी कि फिश भी अच्छी नहीं लगेगी। ये नींबू का रस इसमें जरूर डालें, अगर नींबू का रस ना हो तो आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं उससे। फ्रेंड्स ये कैसा है केला हमारा, ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर मसाले कोट हो चुके हैं। तो यहीं पे मैंने क्या किया है, चावल का आटा लिया है, तब चावल का आटा लिया है उसके ऊपर ये केले की स्लाइसेस है, ऐसे इसे आटे में लपेट के यहाँ पे मैं साइड में रख ले रही हूँ। चावल के आटे से ये बहुत क्रिस्पी बनता है। तो एक एक करके हमें सभी केले के स्लाइसेस को या आटे चावल के आटे में लगाकर रख देना है लपेट के, तो इससे काफी क्रिस्पी बनता है। यहाँ पे आप चावल के आटे के जगह पे मक्के का भी आटा ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी केले के स्लाइसेस को चावल के आटे में कोट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने बनाना स्लाइसेस को एक एक करके सभी को मैंने कोट कर लिया है। तो ये देखिए केले के सभी स्लाइसेस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये केला अब रेडी है फ्राई करने के लिए, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहीं पे फ्रेंड्स मैंने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए, तो इस पे चारों ओर तेल फैला लेंगे हम। तो हम इसे कढ़ाई में नहीं, इसे हम पैन पे इसे फ्राई करने वाले हैं, ताकि हमें ज्यादा तेल ना खाना पड़े। तो ये बहुत ही कम तेल में बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों ये बनाना के स्लाइसेस मैं इसमें फ्राई कर ले रही हूँ तवे पे।
तो इससे तेल हमारा कम लगने वाला है। बहुत ही कम तेल में रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में ही उतनी दिलचस्प रहती है। तो एक बार में जितने आ रहे हैं मैं सभी रख दे रही हूँ इसके ऊपर, और गैस को हमें लो फ्लेम पे रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे सिक रहा है, ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है बनाना स्लाइसेस। तो ये हम बनाना स्लाइसेस को एक एक पलट ले रहे हैं, तो ये एक साइड से पक चुके हैं तो मैं इसे पलट ले रही हूँ। देखिए ये आसानी से निकल जा रहा है। ये फ्रेंड्स ये सीख रहा है, मैंने पलट दिया है तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों तरफ से सीख चुका है, तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में। आज मैं भी बना रही हूँ वीडियो मसाला। तो ये देखिए इसी तरह से ही हमें दूसरा बैच भी सेक लेना है। तो ये काफी कुरकुरा बना ये स्नैक्स। तो ये लो जी सभी बनाना स्लाइसेस रेडी हैं, ये देखिए तैयार हो चुके एकदम गर्मा गर्म। सब तो देखिए फ्रेंड्स ये बन के कितना क्रिस्पी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बनाना स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं, आप इसे शाम के नाश्ते के साथ, चाय के साथ, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। फ्लैश बंद दूसरा कर। केले के स्लाइसेस फ्रेंड्स तैयार हो चुके हैं, आप इसे चाय के साथ, शाम के नाश्ते के साथ इसे ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी तैयार होता है और मसाले तो बहुत ही कम लगते हैं और 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी ऐसी रेसिपी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे रेसिपी आपको कौन सी खानी है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ध्यान, बाय।